इस खबर के प्रायोजक है पटवत सरिया पटखौली जनपद आजमगढ़ से महाप्रधान पद के उम्मीदवार रोशन पाठक जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशिक्षण परिषद की पहली बैठक। हरियाणा सरकार द्वारा सभी वर्गों के कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यशैली में और अधिक दक्षता लाने तथा नवीन तकनीकों से प्रशिक्षित करने के लिए अगले 2 वर्षों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन सभी को आरंभिक प्रशिक्षण के साथ साथ सर्विस के दौरान भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा लोक सभा प्रशासन संस्था एपेक्स प्रशिक्षण संस्था होगा। यह जानकारी आज यहाँ हरियाणा के मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में राज्य प्रशिक्षण परिषद की पहली बैठक में दी गई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य महानिदेशक, विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रशिक्षण देने के लिए सभी विभाग अध्यक्षों को अगले 2 दिनों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा 1 सप्ताह में कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण संबंधित योजना को तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विभाग इन हाउस प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर्स की पहचान भी करे। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि वे हिपा के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि उनके संस्थानों का प्रयोग प्रशिक्षण के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यरत एवं रिटायर्ड अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में एक वेब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी, रिपोर्टिंग, प्रतिक्रिया, विश्लेषण संबंधित जानकारियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के लिए रिसोर्स पर्सन भी बुलाए जाएंगे। प्रशिक्षण ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए हिपा में ऑडियो वीडियो विंग स्टूडियो सहित स्थापित किया जाएगा। हिपा अच्छी पहलों एवं नई पद्धतियों के दस्तावेज तैयार करेगा। यह भी जानकारी दी गई कि मुख्य सचिव कार्यालय की प्रशिक्षण शाखा नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। नोडल विभाग प्रशिक्षण मैनुअल, वार्षिक प्रशिक्षण योजनाओं एवं परिप्रेक्ष्य योजनाओं की तैयारी में सभी विभागों प्रशिक्षण संस्थानों को दिशा निर्देश प्रदान करेगा। बैठक में बताया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की जानकारियां मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS में शामिल की जाएंगी ताकि उनसे प्रशिक्षण की फीडबैक ली जा सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट।